सुही फ्रेंड वेलकम बैक टू रीना रसोई। दोस्तों आज हम बनाएंगे पोहा और बेसन का बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता। तो इसके लिए मैंने पोहा लिया है और बेसन लिया है। बेसन आधी कटोरी लिया है और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पोहा लिया है। अब पोहे को 2 से 3 बार अच्छे से धुल लेंगे। तो पोहा को मैंने धुल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके रख दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया, इससे क्या है अच्छे से ये फूल जाएंगे और इसे ढक के रख देंगे। और इधर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने ना कोई घी डाला है ना ऑयल। ऐसे ही बेसन को धीमी आग पर भून लेंगे। धीमी आग पर ऐसे ही आपको भून लेना है बेसन को। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। और अब मैं इसके तड़के की तैयारी करती हूँ। तो ये लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, ये डाल दिया। इसमें मेथी दाना 1 चम्मच, जीरा डाल दिया है और डाल दूंगी इसमें राई और थोड़ी सी हींग ऐड कर दूंगी। और ये तड़का मेरा तैयार है। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे पोहा अच्छे से फूल गए हैं कि नहीं। ये देखिए पोहा मेरे अच्छे से फूल चुके हैं। तो मैंने जो तड़का बनाया था वो आप इसमें ऐड कर देंगे। तड़के को डाल दिया इसमें और अब इसमें डाल दिया मैंने कटी हुई 2 हरी मिर्च और धनिया पत्ती और 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और आधी चम्मच डाल दिया है गरम मसाला और आधी चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। तो अभी ये कटोरी में नहीं मिलाने में आएगा तो मैंने प्लेट में इसे डाल दिया है। और अब इसमें जो भुना हुआ बेसन था उसे भी मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। और अगर आपको ये थोड़ा सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड करके, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इससे अच्छा एक डो टाइप का बना लेंगे। ये देखिए एक डो टाइप का बन गया है। अब मैं इसको मन चाहे आकार में बना लूँगी। आप चाहे जो भी आकार इसे दे सकते हैं, जैसे भी शेप आपको अच्छी लगती हो। तो मैंने इस तरह की शेप में इसको बना लिया है। इसी तरह मैं और भी बना लूँगी। ये देखिए आप, ये इस तरह से बन चुका है। आप इनको सुबह सुबह आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दीजिए। बहुत ही बच्चे खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें देखकर और बहुत हेल्दी भी है ये। और ब्रेकफास्ट में घर पे आप बनाइए तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है आपका 10 मिनट में। तो और भी मैंने इसी तरह से बना लिया है। और इधर मेरा ऑयल हो गया है गर्म। मैंने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और इसको मैं अब डाल दूंगी। और गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है और इसे ऐसे ही चारों तरफ से पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लेना है। बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची बनते हैं। रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया है मेरा नाश्ता। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी तरह बचे हुए नाश्ते को भी मैं कढ़ाई में सेक लूँगी। और ये देखिए बेसन और पोहे का बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। आप इस नाश्ते को चाय के साथ खाइए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, या सॉस के साथ खाइए, या हरे धनिया की जो चटनी बनती है उसके साथ खाइए। आप इसकी आवाज़ सुनकर ही अंदाज़ा लगा लीजिए कितने क्रिस्पी एंड क्रंची बने हैं। इसी तरह मैं दूसरा भी दिखा दूँगी। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। मैं एक तोड़ कर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुके हैं। और इसी तरह आप सॉस लगाकर खाइए। तो एक मैं बाइट खाकर आपको टेस्ट बताती हूँ इसका। बहुत ही यमी बना है ये नाश्ता। तो मैं तो कहती हूँ एक बार आप घर पर रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। सुबह सुबह आप लंच बॉक्स में बच्चों को दीजिए ये हेल्दी नाश्ता। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।